नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिनेमैटिकल से आपको फिर स्वागत करता हूँ। ये जो वीडियो कमेंट के ऊपर डिपेंड है, एक मैसेज के अनुसार इस वीडियो को बनाया जा रहा है। इसमें क्या 6 स्विच और 2 5 पिन सॉकेट के बारे में बताया गया है। ठीक है, दो हमारे पास 5 पिन सॉकेट ये हुआ और 6 स्विच, 1 स्विच 2 स्विच 3 स्विच 4 स्विच 5 स्विच 6 स्विच के इसकन को वायरिंग करना है। तो इसका इस डायग्राम देखा जाए तो एक 5 पिन सॉकेट, 1 स्विच, 1 5 पिन सॉकेट, 1 स्विच, 1 स्विच स्विच स्विच, 6 स्विच टोटल होता है, 5 यहाँ और 1 यहाँ और 2 हमारा 5 पिन सॉकेट। इसमें तो 1 स्विच से हम इस 5 पिन सॉकेट को ऑपरेट करेंगे और 1 स्विच से इस 5 पिन सॉकेट को हम ऑपरेट करेंगे। इसका कनेक्शन जो आएगा, उसका कनेक्शन किस तरीके से आएगा वो हम चलिए पहले देखते हैं। तो हमारा जो पहले आएगा है न्यूट्रल, ठीक है, एक वायर आएगा हमारा न्यूट्रल, एक वायर आएगा हमारा लाइन, ठीक है, जो हमारा मेन वायर होता है, और उसके बाद आता है हमारा अर्थिन। ये 3 वायर आपके इस बोर्ड में आएगा। तो इसमें पहले जो लाइन का वायर आएगा, लाइन का वायर कहाँ कहाँ जाएगा, तो लाइन का वायर जो होगा स्विच के सारे नीचे टर्मिनल, ठीक है, 1 स्विच 2 स्विच 3 स्विच 4 स्विच 5 स्विच 6 स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में हमारा मेन इन करेगा। ठीक है, तो हमारा क्या स्विच हम डायरेक्ट करते हैं, हमारा जो लाइन आएगा वो कहाँ कहाँ आएगा, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल, एक टर्मिनल से इस टर्मिनल, इस 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 टर्मिनल से इस टर्मिनल, और ये मेन लाइन में इन कर जाएगा। तो हमारा मेन जो लाइन आया, ठीक है, ये हमारा मेन लाइन हुआ। तो मेन लाइन हमारा कहाँ कहाँ गया, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में, ठीक है, पीजी में भी ये देख सकते हैं, हमारे जो सारे नीचे टर्मिनल में स्विच के, ए जी भी है, ठीक है, ये 1 2, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 1, ठीक है, ये टोटल स्विच है, ये हमारा स्विच हो गया। ठीक है, अब इसका हमको एक स्विच से इस सॉकेट को ऑपरेट करना है, इस स्विच से इस सॉकेट को ऑपरेट करना है। तो हमारे क्या करेंगे, एक हम यहाँ से यहाँ शॉर्ट कराएंगे और एक स्विच से इसको हम शॉर्ट कराएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा एन, यहाँ एल लिखा होगा, यहाँ एन लिखा होगा, सेम यहाँ पे एन लिखा होगा, यहाँ एल लिखा होगा, जहाँ एन होगा वहाँ न्यूट्रल जाएगा, जहाँ एल होगा वहाँ लाइन जाता है। तो यहाँ हमारा न्यूट्रल जाएगा, यहाँ न्यूट्रल जाएगा, लाइन हमारा यहाँ जाएगा। तो स्विच के थ्रू जितना काम होता हमने यहाँ मेन का कर दिया बोर्ड वायरिंग में, ठीक है। अब हमारा जो न्यूट्रल आएगा, ये जो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल का जरूरत कहाँ का है, हमें स्विच में तो कहीं न्यूट्रल का जरूरत नहीं है, न्यूट्रल का हमको जरूरत है बस इन दोनों सॉकेट में, ठीक है। ये जो हमारा 5 पिन सॉकेट है, इसके जो न्यूट्रल का जो कंडीशन है, टर्मिनल है, यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ न्यूट्रल, इस जगह हमको दो जगह न्यूट्रल का कनेक्शन करना होगा। तो हमारा जो न्यूट्रल का जो वायर आया है, ये हमारा इन दोनों टर्मिनल में ही बस जाएगा। साथ में आता है इसके बाद बॉडी अर्थिन, हमारे न्यूट्रल का तो हो गया, न्यूट्रल में कहाँ कहाँ गया, एक इस टर्मिनल गया, एक इस टर्मिनल गया। इसके बाद बॉडी अर्थिन आता है, तो बॉडी अर्थिन कहाँ कहाँ जाएगा, हमारा बॉडी अर्थिन जाएगा सॉकेट के ऊपर वाले दोनों टर्मिनल में, ठीक है, ये सॉकेट है तो इसको ऊपर वाले टर्मिनल में, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ यहाँ एल लिखा हुआ, एन लिखा है, मैंने बता रहे थे, तो जहाँ एन लिखा है वहाँ से यह ऊपर टर्मिनल से हमारे एक बार यहाँ शूट करेगा। यहाँ न्यूट्रल है और यहाँ हमारा न्यूट्रल, ये दो जगह न्यूट्रल है, एक न्यूट्रल यहाँ, एक न्यूट्रल यहाँ, एक न्यूट्रल हमारे यहाँ, एक यहाँ, इन दोनों को हमारा डायरेक्ट शूट कराना होगा, ठीक है। इसी तरह हमारा जो बॉडी अर्थिन होगा इन दोनों टर्मिनल में जाएगा। बॉडी अर्थिन के बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बॉडी अर्थिन के लिए इन दो जगह पर जाएगा और ये हमारा मेन में आउट कर जाएगा, ठीक है, क्लियर सा बात है। जो हमारा 5 पिन सॉकेट का इस टर्मिनल और इस टर्मिनल हमारा बॉडी अर्थिंग लगेगा। तो क्या कहते हैं, चलिए इसे कनेक्शन करके देखते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो किस तरीके से होगा। तो हम क्या करते हैं, स्विच के जो सारे मेन टर्मिनल है, ठीक है, इसके हम क्या करते हैं, एक छोटा सा लूप बना लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने छोटा सा एक लूप बना लिया और हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन करते हैं। ये है, ठीक है, जो भी भाई आपको प्रॉब्लम होता है, ठीक है, वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं इसको सलूशन करूँगा, ठीक है। और कुछ भी नया अगर कुछ जानने की इच्छा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखो, इंस्टाग्राम में है, इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकता है, मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो आपको जिसमें सुविधा हो, ठीक है, आपको जिसमें सुविधा हो उसमें मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कहाँ हमारा आएगा, एक एक स्विच यहाँ पे है, तो जितना स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में हमने दे दिया है, ठीक है, ये स्विच देखिए, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल, 1 स्विच 2 स्विच 3 स्विच 4 स्विच 5 स्विच और 6 स्विच, 6 के नीचे टर्मिनल हमने मेन को पार कर दिया है, ठीक है, जैसे मैंने डायग्राम में किया था। आपको क्या करना है,
अब एक स्विच से इसको ऑपरेट करना, एक स्विच से इसको ऑपरेट करना, तो हमारा ऊपर टर्मिनल से एल में जाएगा। देख ऊपर टर्मिनल से हमारा एल में गया था, सेम ऊपर टर्मिनल से हमारा यहाँ पे भी जाएगा। तो इस टाइप से दो लूप बना लेते हैं वहाँ से को शॉर्ट कराने के लिए। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो गया और दूसरा हम यहाँ से करेंगे सॉकेट से। ये हमारा जो मेन का था लाइन का हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें न्यूट्रल चाहिए, न्यूट्रल एक यहाँ से यहाँ चाहिए, बॉडी अर्थिंग चाहिए यहाँ से यहाँ चाहिए। तो हम क्या करते हैं न्यूट्रल के लिए वायर ले लेते हैं। हमको एक न्यूट्रल यहाँ लगेगा और एक न्यूट्रल का जरूरत यहाँ पड़ेगा। ठीक है, एक न्यूट्रल हमें यहाँ, एक न्यूट्रल यहाँ। इसके साथ हमको क्या बॉडी अर्थिंग का जरूरत पड़ेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। मैंने एक टाइट का एक टाइट नहीं दिया क्योंकि हमको जो न्यूट्रल आएगा, ठीक है, जैसे ही न्यूट्रल आएगा तो इसको हमको साथ में अटैच करके यहाँ पे हम कर देंगे। एक हमको क्या बॉडी अर्थिंग का वायर एक यहाँ चाहिए और एक हमको यहाँ चाहिए, इस दो जगह पे बॉडी अर्थिंग चाहिए था। ठीक है, यहाँ और यहाँ पे। तो हमारे जो मेन कनेक्शन आता है, ठीक है, हमारे जो घर में जो मेन कनेक्शन आएगा तो हमको क्या करते हैं उस हिसाब से हम करते हैं। तो जिस स्टेप से आया तो एक को मैंने फेज, एक को न्यूट्रल और एक को हमने बॉडी अर्थिंग ले लिया है। तो बॉडी अर्थिंग का क्या करेंगे हम यहाँ साथ में अटैच करके, हम भेज देते हैं। ये हमारा बॉडी अर्थिंग चल गया। ठीक है, न्यूट्रल कहाँ जाएगा, न्यूट्रल यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, तो हम क्या करते हैं फिलहाल हम यहाँ भेज देते हैं। हम कहीं भी देंगे न्यूट्रल तो दोनों जगह सप्लाई कर देगा। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल चल गया। अब मेन बचा, तो मेन का कनेक्शन कहाँ करेंगे, मेन हम इस स्विच के कहीं भी नीचे टर्मिनल में हम कहीं भी करेंगे तो सब में अपने आप ऑटो करेगा। तो हम क्या करते हैं हम इसको इस टर्मिनल में दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी हम देंगे तो क्या होगा, इन सभी में चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पहले दे के देखते हैं। ये दिखा गया, हमको क्या करना है इसको काट लेंगे, यहाँ से मोड़ लेंगे, देख लेंगे जैसे एडजस्ट कर सके हम। ठीक है, ये हमारा जो कनेक्शन है वो आप देख सकती, जो हमने डायग्राम बनाया था वो हमने कंप्लीट कर दिया। हमारे बॉडी अर्थिंग जो बोर्ड में आया इन दोनों टर्मिनल में चल गया, मेन आया बोर्ड में इन स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में चल गया और हमारा न्यूट्रल आया। देखिए होता क्या कनेक्शन, ये सॉकेट को हम क्या एक मेन और न्यूट्रल मिलेगा तभी चलेगा। ठीक है, तो हमारा देखिए न्यूट्रल यहाँ डायरेक्ट पहुँचा हुआ है, मेन कहाँ से पहुँच रहा है, मेन यहाँ पहुँचा हुआ है। आप स्विच ऑन कीजिएगा तो इस टर्मिनल से फॉलो करते हुए यहाँ आएगा, ऑफ कीजिएगा तो ये बंद हो जाएगा, तो ये हमारा ऑपरेट यूज नहीं होता, जब ऑन करेंगे तभी यूज होता है। ठीक है, तो इसमें जो कनेक्शन था उसने हमने चालू कर दिया, इसमें जो हमारा मेन न्यूट्रल में था मेन में हमने करंट दे दिया है। अब हम क्या करते हैं इसे चेक करके देखते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्टिंग रूलर का यूज करेंगे और हम इसको सेम इस कंडीशन में डाल देंगे। ठीक है, और हम एक बार चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्शन सही है, सेम यहाँ भी हमारा जो कनेक्शन है वो सही है। तो यहाँ का जो आपका कनेक्शन आगे का होगा वो चीज़ देखिए, ये जैसे स्विच अभी हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा सारा स्विच अभी ऑफ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब देखेंगे आप तो हमारे नीचे टर्मिनल में आपका लाइन आते रहेगा, ऊपर में नहीं आ रहा अभी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इसके अभी नीचे टर्मिनल में है, ऊपर टर्मिनल नहीं है, स्विच हमारा ऑफ है तो हमारे ऊपर टर्मिनल में लाइन नहीं आ रहा,
पर नीचे वाला टर्मिनल में हमारा लाइन है, ठीक है। तो हम क्या, नीचे टर्मिनल ऊपर ये सटेगा तब हमारा लाइन जलता है। तो सॉकेट में सेम चीज़ है, ये ऑन करने पे हमारा करंट क्या करता है, इसमें फॉलो करता है, इसमें आता है, तो क्या इसमें भी करंट रहता है, इसमें न्यूट्रल रहता है, तो जैसे फेज और न्यूट्रल मिल के जलता है, ठीक है। ये देखिए हर जगह का वही चीज़ है, तो हमारा जो कनेक्शन है वो सही है, उसका आपको टेंशन नहीं लेना। चलिए, धन्यवाद।